के विधानसभा चुनाव में महज कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। इस वजह से उत्तर प्रदेश में माहौल काफी ज्यादा गर्माता हुआ दिखाई दे रहा है। विधानसभा चुनाव का प्रचार राजनीतिक दल बड़े जोर शोर से कर रहे हैं। इन चुनाव प्रचार में देखने को मिल रहा है कि नेता राजनेता एक दूसरे पर जमकर निशाना साधते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। कोरोना वायरस महामारी के चलते चुनाव आयोग ने अभी रैलियों की इजाजत नहीं दी है। चुनाव आयोग के नियम अनुसार डोर टू डोर कैंपेन 10 लोगों के साथ नेता कर सकते हैं, लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव प्रचार में कुछ अलग ही नजारा देखने को मिल रहा है। बात की जाए राजनीति की दुनिया में मशहूर यादव परिवार के बारे में, भारत के राजनेता पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के बारे में, उनके परिवार के बारे में। मुलायम सिंह यादव के परिवार के सदस्य इस वक्त चर्चा का विषय बने हुए हैं। जब से मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू प्रतीक यादव की पत्नी अपर्णा यादव ने समाजवादी पार्टी का हाथ छोड़कर बीजेपी भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है, तब से काफी ज्यादा सुर्खियों में बनी हुई है। जहां एक तरफ अपर्णा यादव बीजेपी का दामन थामने के बाद चुनाव प्रचार करने में काफी ज्यादा व्यस्त हैं, अपर्णा यादव हर जगह नजर आ रही हैं। लेकिन बात की जाए मुलायम सिंह यादव की बड़ी बहू डिंपल यादव के बारे में, डिंपल यादव नजर तक नहीं आ रही है। अपर्णा यादव बीजेपी ज्वाइन कर चुकी है, लेकिन डिंपल यादव कहाँ गायब है। वेल, रिपोर्ट्स के मुताबिक लगातार खबरें आ रही हैं कि आखिर भी लगातार खबरें आ रही हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव आखिरकार कहां पर व्यस्त है। हाल ही में अपर्णा ने बीजेपी की सदस्यता ली और बीजेपी के लिए वोट मांग रही है लेकिन डिंपल यादव शांत है, अभी तक चुनाव प्रचार के लिए मैदान में नहीं उतरी है। समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचार भी इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारकों की सूची जारी हुई है और उसमें भी डिंपल यादव का नाम है, लेकिन डिंपल यादव अभी तक प्रचार के लिए नहीं उतरी हैं। चुनाव प्रचार वर्चुअल तरीके से हो रहा है और अभी तक वर्चुअली भी उन्होंने कोई सभा या सम्मेलन को संबोधित तक नहीं किया है। अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के बाकी सभी नेता भी वर्चुअल तरीके से सभा को संबोधित कर रहे हैं, लेकिन डिंपल यादव कहीं भी नजर नहीं आई है। बीते 22 दिसंबर साल 2021 में डिंपल ने सोशल मीडिया पर अपना आखिरी पोस्ट किया था, जब वह कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी। डिंपल यादव आइसोलेशन में रही, लेकिन अब डिंपल यादव चुनाव प्रचार को लेकर अब तक मैदान में नहीं उतरी हैं। इतना ही नहीं, डिंपल ने पिछले 14 महीने से कोई पोस्ट नहीं किया है इंस्टाग्राम पर, और फेसबुक पर डिंपल ने पिछले 2 महीनों से कोई भी पोस्ट नहीं किया है। साल 2017 में विधानसभा चुनाव में डिंपल ने कई सभाएं की, समाजवादी पार्टी के लिए वोट भी मांगे थे, लेकिन डिंपल अब कहां गायब हो चुकी हैं। सभी इंतजार कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के लिए कब डिंपल यादव मैदान में उतरेंगी।